हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। आपने हमसे पूछा है एएलपी बनने के लिए कौन सा कोर्स करें, तो आप लोगों को एएलपी बनने के लिए बिल्कुल एक छोटा सा वीडियो 5 से 6 मिनट का होगा, पूरा देखिएगा। आप लोग को कौन सा कोर्स करना चाहिए इसके बारे में फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन वीडियो है, ये पूरा जरूर देखिए। अगर आप लोग पायलट बनना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी इसको सब्सक्राइब करवाइए जो भी स्टूडेंट आईटीआई या फिर लोको पायलट बनने की तैयारी कर रहा होगा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं एक छोटा सा बात। हमारा कोर्स चलता है स्मार्ट वीडियो कोचिंग और मास्टर नोट्स का। मास्टर नोट्स आपके घर पे स्पीड पोस्ट से आपके घर पे मिल जाती है, और स्मार्ट वीडियो कोचिंग का मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल होती है। और आप लोग लोको पायलट का कोर्स हमसे पढ़ के बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप भी हमारी तरह लोको पायलट बन सकते हैं। हम 2 बार लोको पायलट बन चुके हैं, 2014 में और 2018 में। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक पे, एएलपी बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। अभी चूंकि स्टूडेंट लोग बिल्कुल नए हैं, उन लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा कोर्स करें या फिर कौन सा कोर्स किस कोर्स के बाद करें। समझ में नहीं आई? ओके, हम आपको समझाते हैं। लोको पायलट बनने के लिए आपको सबसे पहले यानी कि मैट्रिकुलेशन का कोर्स करना होगा, यानी कि 10th का, यानी कि 10th आपके पास होना चाहिए। 10th के बाद आपको आईटीआई या फिर डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक जिसको बोलते हैं वो आप कर सकते हैं। आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक आप लोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन ये रहती है कि आईटीआई जो है हम 10th तो पार कर चुके हैं, 12th में अभी पढ़ रहे हैं, क्या 12th के बाद आईटीआई करना पॉसिबल है? तो आईटीआई आप मैट्रिक के बाद आप जिस भी क्लास में हो उसके बाद आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि आज ही एक स्टूडेंट फोन किया, बोला कि सर अभी मैं 11th में हूँ और 12th का फॉर्म नहीं भर पाया हूँ, मैं चाहता हूँ आईटीआई करना, क्या मैं आईटीआई कर सकता हूँ? बिल्कुल, उसके लिए तो बहुत बड़ा सवाल था, लेकिन सिंपल सा सवाल है। वो स्टूडेंट 11th भी कर रहा है उसके बाद वो आईटीआई में एडमिशन ले सकता है। एक स्टूडेंट ने क्या बोला कि सर मैं आईटीआई में एडमिशन ले चुका हूँ, क्या मैं ग्रेजुएशन में भी एडमिशन ले सकता हूँ? तो मैंने उसको बोला कि नहीं, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं ले सकते, आप 2 कोर्स रेगुलर एक साथ नहीं कर सकते, ऐसा इंडिया में नियम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं रेगुलर से, अगर आप ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं, अगर आप 12th किए हुए हैं, या फिर अगर मैट्रिक बाद आईटीआई कर रहे हैं फिर आप दूसरा चीज भी करना चाहते हैं, तो आपको दूसरा जो चीज है वो आपको ओपन से करना पड़ेगा। आईटीआई जो है ओपन से नहीं होती है। तो देखिए, आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक आप कर सकते हैं। अगर आपके पास बीटेक की भी डिग्री है तब भी चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आप यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल ये निकलता है कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में कौन सा ऐसा ट्रेड ले या फिर कौन सा ऐसा ब्रांच ले जिससे हम लोको पायलट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, आप लोको पायलट का फॉर्म डाल सके। तो इसके लिए कि जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग सेक्टर और आईटी सेक्टर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग सेक्टर, इस सेक्टर के स्टूडेंट को लोको पायलट भरने अलाउ नहीं है। तो आप लोग इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी ट्रेड है, जो भी ब्रांच है, उससे आप लोग आईटीआई भी पॉलिटेक्निक करिए। तो आईटीआई का जो सबसे नंबर 1 जो ट्रेड है वो है आपका इलेक्ट्रीशियन, यानी कि आपका आईटीआई का नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रीशियन। आप लोग बार बार हमें फोन करके यही पूछते हैं कि सर मैं आईटीआई कौन से ट्रेड से करूं, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज हमें वो वाला सवाल मत पूछिए कि हम कौन से ट्रेड से आईटीआई करें। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग आईटीआई जो करिए, आप लोग आईटीआई करिए इलेक्ट्रीशियन से, आप लोग आईटीआई करिए। इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपको प्राइवेट में आसानी से नौकरी मिल सकती है, इसके बाद आपको इलेक्ट्रीशियन का बहुत सारा टेक्नीशियन पोस्ट भी आता है, और इसके बाद आपको इलेक्ट्रीशियन से आप करते हैं तो आपको दूसरे सेक्टर में भी बहुत सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि मेट्रो रेल सेवा या फिर दूसरा सरकारी कंपनी जो बड़े बड़े हैं, नवरत्न कंपनी, उसमें आपको बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रीशियन का फायदा। और नंबर 2 जो ट्रेड है वो फीटर ट्रेड है, और आईटीआई अगर इलेक्ट्रीशियन से करते तो आपके लिए जो टेक्नीशियन का अगर काम करिएगा तो आपके लिए आसानी होगी, वो काम आसान होगा इलेक्ट्रीशियन का काम। और अगर आप फीटर से करके जाते हैं तो फीटर भी बिल्कुल सही है, अगर 100% अगर 10 नंबर इलेक्ट्रीशियन को मिलेगा तो 9 नंबर हम आप फीटर को भी जरूर देंगे। तो आप लोग अगर आपके इलेक्ट्रीशियन के बाद आपको ऑप्शन मिलता है तो आप लोग फीटर लीजिए, ज्यादा अंतर नहीं है, बस थोड़ा बहुत वैकेंसी का अंतर आता है दूसरे सेक्टर में। वैसे अगर लोको पायलट बनते हैं तो इलेक्ट्रीशियन फीटर कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रीशियन ही सबसे बेस्ट है, ताकि आपको और भी फील्ड में आपको जाने का अगर मौका मिले तो आप जा सकते हैं। नंबर 2 आपका फीटर हो गया। नंबर 3 जो है वो है डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक एकमात्र ऐसा कोर्स है इंडिया में जो कि सिर्फ और सिर्फ होती है 1 साल की, लेकिन उसको लोको पायलट में भरने का अलाउ करता है। लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में जब पूरा पूरा इंडिया
100% इलेक्ट्रीफाई हो जाए, वैसे कम से कम 20 साल तक इलेक्ट्रीफाई 100% नहीं हो सकता, आने वाले 20 साल तक लगभग ये 15-20 साल तक रहेगा सिस्टम, तब आप डीजल मैकेनिक से करके 2-4 साल के अंदर भी आप लोकोपाइलट बन सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक साल वाली डीजल मैकेनिक भी कर सकते हैं। लेकिन हम डीजल मैकेनिक वैसे स्टूडेंट को ही करने की सलाह देते हैं जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि उसका एक साल बचत होगा। अगर आपका उम्र जो है 22 साल 23 साल से कम है तो आप 2 साल वाली कोई भी कोर्स करिए। इसके बाद जो नंबर 4 जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। देखिए इलेक्ट्रॉनिक में देखिए दो तरह का ट्रेड होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक रेडियो टीवी। और आपके पास दोनों में दोनों ऑप्शन है, दोनों से वैसे लोकोपाइलट बन सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर ऑप्शन है दोनों का तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेलेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो टीवी सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर नहीं मिले तो आप बाद में करें। इसके अलावा आपको रेफ्रिजरेशन वगैरह का है, हमारा एक किताब है बिकम लोकोपाइलट, आप उस किताब को पढ़िएगा, तो उसमें मैंने लोकोपाइलट बनने के बारे में पूरी जानकारी लिख रखी है शुरू से लेकर अंत तक, आप उस किताब को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये रही बात, अब हम पॉलिटेक्निक की बात कर, पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा। डिप्लोमा आप आईटीआई करने के बाद भी कर सकते हैं, 2 साल वाली को 2 साल लगेगी, या फिर बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे आपका पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स अगर आपका 12 है इंटरमीडिएट है, तब आपको पॉलिटेक्निक में डायरेक्टली आपको दूसरे ईयर में यानी तीसरा सेमेस्टर में आपको एडमिशन मिल जाएगी। वैसे हम लोगों के बिहार में ऐसा नहीं होता है, तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग, जैसे कि पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है। तो आप अगर पॉलिटेक्निक 2 साल वाली कोर्स किए हैं, आईटीआई या फिर यानी कि क्या बोलते उसको 12 के बाद पीसीएम से, तब भी आप लोकोपाइलट बन सकते हैं, आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा, क्योंकि लोकोपाइलट फॉर्म में लिखा 3 ईयर डिप्लोमा, उसको डिटेल से नहीं लिखा रहता है कि आईटीआई वाला आपका 2 ईयर, तो 1 ईयर आपका आईटीआई या फिर 1 ईयर आपका 12 माना जाता है, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक करने जाइएगा तब आपको फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आपको 12 का पीसीएम पूरा पढ़ा दिया जाएगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ पूरा पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग फिजिक्स इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को कहा जाता है। तो यही बात है, तो अलग स्टेट में अलग थोड़ा सा सिस्टम है। अब देखिए पॉलिटेक्निक में नंबर 1 जो ब्रांच है वो है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नंबर 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नंबर 3 आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, एक होती है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इसके अलावा आपको ऑटोमोबाइल ले सकते हैं, इसके अलावा आपको केमिकल है या फिर आईटी सेक्टर है या फिर कंप्यूटर है, तो ये सबसे आप लोकोपाइलट नहीं जा सकते, कंप्यूटर सेक्टर लोकोपाइलट अलाउ नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया आईटीआई पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक का जो ब्रांच है लोकोपाइलट के मान्यता, वही ब्रांच आपका बीई या फिर बीटेक का भी है। तो आई होप कि आप लोगों का पूरा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा एएफपी बनने के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। आपका मैट्रिक के बाद आप कोई भी कोर्स कर लिए कभी भी किसी भी टाइम, मैंने आपको 2 एग्जांपल भी दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करिए, और हाँ अगर आप लोग हमारा मास्टर नोट्स लेकर के पढ़ करके और हमारा स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन करके आप लोकोपाइलट बना सकते हैं, तो हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरा वीडियो बना के देंगे, पूरा का पूरा आपको लोकोपाइलट हम आपको बनाएंगे, कैसे बनेगा नहीं बनेगा इसके बारे में। अगर आपको लोकोपाइलट की छोटी मोटी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे आईटीएस संबंधित पॉलिटेक्निक संबंधित बीटेक संबंधित, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी करवाइए, क्योंकि और हाँ आप लोग हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लीजिए जो कि है 8406-89-1116-1116, ये हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा जो कि हम वीडियो में नहीं कभी बताए हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी आपके मन में आता हो सवाल, तो आप हमें इस नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। और हाँ आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने एक चीज देखा है, जो क्लास 9th या फिर क्लास 10th के बच्चे हमारे वीडियो को देखते हैं, जब वो हमें फोन करते हैं तो हम फोन करते हैं, मैं फोन काट देता हूँ, फिर फोन करते हैं, फिर फोन काट देता हूँ, तो एक्चुअली वो 20-25 बार फोन कर देते हैं। जो समझदार लोग रहते हैं एक बार जब वो फोन करते हैं तो हम फोन को काट देते हैं, तो उनको पता रहता है कि हम बिजी हैं, हम उनको बाद में कॉल नहीं करते। तो हमारे हमसे बात करने का सिस्टम ये है कि आप हमें सिर्फ और सिर्फ मिस कॉल करिए, या फिर एक बार आप हमें फोन करिए, फिर हमें जब हमको टाइम मिलेगा, हो सकता है कल होकर हमें टाइम मिले, तब हम आपको फोन करें। और हाँ फोन करने से पहले आप हमारे कॉन्टेक्ट ये जो नंबर है आप इसको अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, अभिषेक सर या फिर अभिषेक कोचिंग यूट्यूब करके सेव कर लीजिए। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि लगभग में 10-20% केस में ऐसा होता है कि हम उसको बाद में जब कॉल बैक करते हैं तो वो हमें पहचानने से इनकार कर दिया, फिर हो सकता है उसका जो फोन है वो किसी और के हाथ में रहता तो वो हमें पहचान नहीं पाता और उसका जो सवाल होता है वो छूट जाता, फिर बाद में वो स्टूडेंट पूछना ही भूल जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अब तक 16,000 से ज्यादा स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट हमारे में सेव है, तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करिए, और यही एकमात्र कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, तो आप लोग इसको सेव कर लीजिए और जो भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ हमारा क्लास आप लोग ज्वाइन
जरूर से जरूर कर लीजिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा आपको लोको पायलट बनने में या फिर किसी और गवर्नमेंट को जाने में।